पालिका परिषद की अध्यक्ष महोदय के खिलाफ सभासदों ने खोला मोर्चा, बांटे पंपलेट्स। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 26/8/2020 को नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर आज सुल्तानपुर में सभासदों का आक्रोश देखने को मिला। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सभी सभासद आज एकजुट हो गए और नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल के खिलाफ 16 सभासदों ने मोर्चा खोल दिया। सभासद नगर के मोहल्लों में गए और उन्होंने जनता को नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर जागरूक किया। इतना ही नहीं, साफ तौर पर कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार का जिन कब का आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष की तानाशाही जारी है और ऐसे में विकास के नाम पर काफी भ्रष्टाचार हुआ है। आप लोगों ने वोट दिया है, ऐसे में आप खुद निश्चय कीजिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक हों। सभासदों ने बिजली, सड़क, पानी को मुख्य मुद्दा बनाया। फिलहाल सभासदों का नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ आक्रोश लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस सब के बारे में जब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष महोदय बबीता जायसवाल व उनके पति व प्रतिनिधि अजय जायसवाल से मिलना और बात करना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और मैसेज कर दिया कि मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। रहा है कि हमारे सरकार का मंशा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए नगर पालिका में आए दिन कोई काम वार्ड में नहीं हो रहा है, जनता तरंगा कर रही है। तो हम लोग इससे, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, पार्टी के लिए हम लोग वोट मांगने जाएंगे तो जनता हम लोगों में नकारेगा। अभी तक शासन में कई चिट्ठियाँ भेजा गया, उस पर भी कोई कार्रवाई न शासन हुआ न सरकार द्वारा। हम लोग अगर हम ही लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए, जो पार्टी कार्यकर्ता आते हैं, पार्टी के लोग आते हैं, क्या जवाब देंगे उनके लिए? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी बात सरकार द्वारा सरकार तक पहुँचे, इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। जागरूक करना हमारे उत्तर प्रदेश के सदस्य मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी नाथ जी, हमारे सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री जय प्रकाश सिंह, संचारी रोग को तहत कई बैठकें किया, जनता को संचारी रोग से मुक्त कराने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया। हमारे नगर के चेयरमैन द्वारा संचारी रोग पे कहीं व्यवस्था न करने का, जमादारों पर साधन नहीं है, गाड़ी टूटी गाड़ी हुई है, हम लोग कैसे सफाई करें? इसी तहत शासन जितना पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा ठंड होता जा रहा है, केवल विकास कार्य के नाम पर जीरो होते जा रहे हैं, ढेंगा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। में विगत 2 वर्षों से जो भ्रष्टाचार मचा हुआ, जिसके खिलाफ हम लोग कागजी लड़ाई लड़कर शासन स्तर तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जनता के माध्यम तक नहीं पहुँच रही। आज अब हम लोग कल से जनता को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं और गांधीगिरी के माध्यम से शांत प्रिय ढंग से जनता के बीच में जाकर पंपलेट के माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग जंग लड़ रहे हैं।